हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ आलू और मटर की सब्जी। यहाँ पे मैंने सूखी मटर यूज़ की है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सूखी मटर ली है एक बाउल। इसे मैंने एक रात के लिए भिगो लिया है और उसी के साथ मैंने इसके चार सीटी लगा ली है। सीटी लगाते वक्त आप इसमें एक चुटकी नमक डाल दें, इससे ये बहुत अच्छी बॉयल होती है, तो आप देख सकते हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक बाउल जो है आलू बॉयल कर लिया है। आलू को स्लाइसेस में कट कर लें, इसे 90% बॉयल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है। उसके बाद मैंने 1/2 चम्मच डाली सरसों, साथ ही इसमें हरी मिर्च डाली है मैंने। यहाँ पे मैंने प्याज स्लाइसेस में कट किया है, प्याज को डाल दें और प्याज जल्दी पक जाए इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है, तकरीबन 1 चुटकी। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। उसके बाद इसमें तेज पत्ता डाल दें, 1 कश्मीरी मिर्च, चला दें। यहाँ पे मैंने करी पत्ता डाला है बारीक काट के। उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी दी है। साथ ही यहाँ पे डाल दें बॉईल किए हुए आलू और मटर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दें और नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी मैंने मिला दी है। मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दें ऊपर से और साथ ही हरा धनिया। तो ये बनके बिल्कुल तैयार है। आप जैसे चाहें इसे वैसे सर्व कर सकते हैं। रोटी, चपाती, पूरी, नान के साथ सर्व करें। और साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।